हेलो गाइस, देखिए अब मैं जा रही हूँ मूंगफली के चिक्की बनाने, जो मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसे मैं गरम करके छिलके उतार ली हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है और इसके पूरे छिलके निकाल दिए हैं। और फिर इसे क्या करते हैं, मिक्सर में हल्का सा एक बार ग्राइंड करते हैं, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं गुड़ की चाशनी बनाती हूँ। इसे मैंने कुछ इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। देखिए हल्का सा पतला हो जाता है तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं हल्का सा इसको दरदरा सा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद चाशनी बनाती हूँ गुड़ की। थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि गुड़ चिपकेगा नहीं। और फिर उसके बाद तोड़ के गुड़ डाल देते हैं। जितना मैंने आधा किलो मूंगफली ली है तो आधा किलो गुड़ भी रहेगा, तो चिक्की अच्छी बनेगी। मैं थोड़ा सा, क्योंकि डालने से इसमें शाइनिंग सी आ जाती है, हाथ में चिपकता नहीं है। देखिए अभी तो तैयार हो रहा है, ये गुड़ रेडी हो गया है बिल्कुल मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए। इसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ, इसे पानी में डालूंगी। इसको उठाने पे बिल्कुल ये कड़ा सा हो गया है। इसको ऐसे बर्तन पे देखिए, आवाज आई ना, ये आवाज आती है तो समझिए तैयार हो गया है। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ इस पे डाल करके। देख सकते हैं अब ये रेडी हो चुका है। इसको मैं थाली ली हूँ और इस पे जो है मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल डालने से क्या होगा, इस पे चिपकेगा नहीं। ये चिक्की जो है बनाने के लिए मैं इस पे ये ट्रांसफर कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल आराम से बनेगा। तो हाथ से करके ऐसे ऐसे फैला देना है और गरम लगता है तो बेलन से कर सकते हैं। थोड़ा सा बेलन से बेल देने से क्या होता है, ऐसे बराबर हो जाएगा। बेल के तैयार कर लिया मैंने। अब इसे गरम ही गरम क्या करते हैं, इसको ऐसे निशान लगा लेते हैं, चाकू से काट लेते हैं। ठंडा होने पे कटेगा नहीं ना, इसलिए ऐसे बराबर से कर लेते हैं। ऐसे अब ये ठंडी हो जाती है तो फिर इसे निकाल लेते हैं। बाकी बची हुई चिक्की को भी हम इस तरह कर लेंगे, उसके बाद फिर निकाल के हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। अब मेरी प्यारी सी चिक्की बन के रेडी है। देखिए कितने अच्छे से टूट रही है, बिल्कुल क्रिस्पी, ऐसे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप भी खाइए और सबको खिलाइए, सबको खिलाइए और जरूर ट्राई करिएगा। बाय बाय एवरीवन। ओके।